प्रेज लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार फिर मंगलवार की खूबसूरत सुबह में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कयूम नाम में हमारा सलाम आप तक पहुँचे, और खुदावन आपको बहुत बरकत दे और इस काबिल बनाए कि आप उसकी तमजीद में अपने आप को खर्च कर सकें। गुज़श्ता हफ्तों से हम आपके साथ एक बात को बांटते आ रहे हैं, और तकरीबन हम 14 एपिसोड दे चुके हैं, और उन 14 एपिसोड में हमने आपको सिखाया है कि जो इंसान आगे बढ़ जाता है और खुदा मसीह यीशु की तालीम में बना नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। लेकिन मेरी और आपकी तमन्ना है कि हमारे पास खुदा बाप हो। हमें दाऊद की वो बात याद आती है जहाँ दाऊद कह रहा था, ख्वाह में मौत की साई की वादी में से होके गुजरूं तो मुझे कोई खौफ व खतर ना होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इसी से हम चाहते हैं कि हम मसीह की तालीम में बने रहें, ताकि खुदावन हमारे साथ रहें। पता नहीं हम किन किन मरहलों से अपनी ज़िंदगी में आगे गुजरते हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, और हमें यह भी पता नहीं कि रास्ते में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन खुदावन हमारे साथ हो तो रास्ते में कैसी परेशानियाँ, कैसी दुख और मुसीबतें क्यों ना उठानी पड़े, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ आज आपके साथ मैं आपको फिर सिखाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ ये एपिसोड आपके लिए बरकत का वसीला बने। फिर आपको याद दिला देता हूँ कि जो मसीह की तालीम में बना नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। और आठवां जो हम मोती आपके जीवन में अता फरमा रहे थे, और वो था मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे। एक बार फिर हम इसको पढ़ दें, मती का 5वां बाब उसकी 10वीं आई थे जी। मुबारक है वो जो राजबाजी के सबब से सताए गए। यानी दुनिया में बहुत से लोग सजाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली एक बात कहिए, राजबाजी। राजबाजी क्या? मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह से अपना रिलेशन अच्छा रखना, यीशु मसीह को फॉलो करना, जो राजबाजी के सबब से सताए जाते हैं। हाँ, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। आगे, जब लोग मेरे सबब से, अब ध्यान सुनिएगा, जब लोग मेरे सबब से, इसके माने आपने यीशु मसीह को इख्तियार कर लिया, आप यीशु मसीह की तालीम पे चल रहे हैं, आप यीशु मसीह की तालीम को मान रहे हैं, तो लोग आपको लानतान करेंगे, नाहक बहुत सी बातें बोलेंगे। सुनिएगा कि लोग तुम्हें लानतान करेंगे और सताएंगे, और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत, यानी जब हम खुदा के पीछे चलेंगे तो हमारे खिलाफ में बहुत सी बातें बोलेंगे। जी आगे, तो तुम मुबारक हो गए, तो लिखा तब तुम मुबारक हो गए, खुशी करना। अब सुनिए, अगर हम सताए जाएं तो कौन इंसान खुशी करता है? लेकिन बाइबल बता रही है बेटा, खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि हम सताए जा रहे हैं, लोग कत्ल भी कर देंगे, लोग जेल खाने में डलवा देंगे पौलुस और सिलास की तरह, लेकिन भाई बता रही तुम बेटा खुशी करना। देखिएगा, पौलुस और सिलास खुशी मना रहे हैं, हम के गीत गा रहे हैं, खुदा से दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हमारा आसमान पे अजर पड़ा है। आपको याद आएगा एक दिन खुदावन के दो शागिर्द पतरस और यहुन्ना एक आदमी को ठीक करके यीशु मसीह के नाम से उसकी उंगली पकड़ के उसको उठाया, तो वो चलने फिरने लगा, 41 साल का लंगड़ा, तो लोग उसके खिलाफ हो गए। ये तीसरे अध्याय में ये काम करा, और चौथे अध्याय में उनको बुलाया और कह रहे क्या सजा दे, क्योंकि सारे लोग तो इसके पीछे हो चले। लेकिन वहां पे गमलीएल ने कहा कि इससे पहले भी एक आदमी खड़ा हुआ था, और वो भी अपने आप को बहुत कुछ समझता था,
लेकिन वो खत्म हो गया। अगर ये लोग भी खुदा की तरफ से नहीं होंगे तो खत्म हो जाएंगे। अगर खुदा की तरफ से हुए तो तुम इन पर हाथ मत डालो, बहुत वैसा खराब बात होगी। तो काहिनों ने, फकीर फरीसियों ने उनको पिटवा के छोड़ दिया। और जब वो पिट के बाहर निकल रहे, सुनिएगा, खुदावन का काम कर रहे हैं, खुदावन की बादशाहत की बात कर रहे हैं, खुदावन के नाम को ऊंचे पे उठा रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। तो बाइबल में लिखा है जब वो बाहर निकले तो खुशी मनाते हुए निकले। किस बात की खुशी पर? कहने के चलो उसके लायक, बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे उसके लिए। ऐसे खुदावन चाहता है हम दुख में ना रहे, हमारा चेहरा ना बना रहे। लोग पूछे क्या बताइए, हम तो दुआ कर रहे थे उन्होंने पीट दिया ना, खुशी के साथ खुदा के नाम को मुबारक कहें। और जब आप खुशी के साथ इस चीज को लोग कबूल करेंगे तो आसमान का खुदा आपको अजर देगा। देखिए इब्रानियों का 11 बाब 36वीं आयत से पढ़ना शुरू करिए और उसकी 39वीं आयत तक कंप्लीट करिएगा। 36वीं आयत से जी लिखा है, यहाँ पे बहुत सी चीजों के लोगों के बारे में बताए गए हैं। यहाँ पे खुदा के खादिमों की फहरिस्त दी गई है, इब्राहिम से लेके शुरू करा है और उस जमाने तक के लोगों बताया, सारी चीजें ऊपर बताई। लेकिन अब कह रहा है कि बास तो ठट्टों में जो के उड़ाए गए निकल, लोगों ने उन्हें ठट्टे उड़ाया। अभी आपने सुना ना यीशु मसीह क्या कह रहा था, लोग तुम्हें ठट्टे उड़ाएंगे, बास तो ठट्टों में उड़ाए गए और क्या खाए, कोड़े खाए पौलुस की तरह, और पतरस की तरह जंजीरों में बांधे गए और कैद में डाल दिया पौलुस और सिलास की तरह, पतरस की तरह, और वो अजमाए गए कि देखते कैसे। आगे पढ़िएगा, और क्या करा गया, फतराव किया गया। ये देखिए मूसा को कई बार फतराव किया गया, पौलुस को फतराव किया गया, वो फतराव भी किए गए जी, उफ़ो, खुदा का काम करने पर, राजबाज बनने पर, यीशु मसीह के पीछे चलने पर लोगों ने उनको क्या करा, आरे से चीर, उनको चीर दिया, आजमाइश में पड़ गए और तलवार से मारे गए। भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मोहताजी में, हाँ, मुसीबत में, हाँ, सलूकी की हालत में, हाँ, मारे मारे फिरे। अच्छा बड़े भाई कैसे मारो मारे फिरे, बड़े खुलेआम नहीं चल रहे थे? मैं और आप आज की दुनिया में अपने आप को अच्छी तरह लेके चलते हैं, अपना चेहरा अच्छा रखते हैं, हम किसी चीज में नहीं छुपाते हैं, लेकिन वो तो खालों में छुपे फिरते रहे, वो तो दिक्कतों में फिरते रहे, वो तो मुसीबत में फिरे, मुश्किल में फिरे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को मानते थे जी। आगे पढ़िएगा, लिखा देखिए, और जब वो जब हम राजबाज बन जाएंगे तो दुनिया हमें पसंद नहीं करेगी और दुनिया हमारे लायक नहीं होगी जी। वो जंगलों और पहाड़ों और गाड़ों और जमीनों के गढ़ों में, हाँ, और लिखा है वो जंगलों में फिरे। मालूम है दाऊद कहाँ फिरा? जंगल में फिरा। उसने अपना बहुत बड़ा जीवन जंगल में गुजारा, यूनतन का दोस्त बनने के बाद भी जंगल में उसने अपना जीवन गुजारा, गारों में रहा, गार के अंदर रहा, और लोग और वो खुदावन के लिए अपने आप को उसने खर्च करा और उसने बताया कि मैं खुदावन तेरे लिए दुख उठाने को तैयार हूं। इसको खत्म कर दीजिए 39वीं आयत तक। हाँ, और अगर जे इन सब के हक में, हाँ, ईमान के सबब से, हाँ, अच्छी गवाही दी गई, हाँ, तो भी, हाँ, उन्हें वादा की हुई चीज ना। अरे गवाही बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा, देखो कितनी मार खाई, लेकिन लिखा है उनके लिए क्या गवाही दी गई, आखिरी लाइन अर्ज दीजिएगा जरा, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना, वो चीजें जो उनको उस टाइम मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। यीशु को माना, यीशु के लिए दुख उठाया, गारों में रहे, जंगलों में रहे, पत्थर खाए, चीरे गए, तलवार से मारा गए, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी उन्हें वादे की भी चीजें नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश आसमान पे है। शुरू से हम गाना सुनते आ रहे हैं, सय्यून देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। और इन सब के साथ इतनी बेहुर्मती हुई, मैं तो बेहुर्मती कहूंगा कि इनको इंसान नहीं समझा गया, जानवरों की तरह
इनके साथ सलूक किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, फिर भी इन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और ये खुदावन के लिए खर्च होते रहे। मेरे लिए एक आयत निकालेगा और वो आपको मिलेगी, इशाया का 50 बाब 6 आयत, झुक गया उनके आगे, अपनी पीठ मारने वालों के हवाले करी और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले कर दी, मैंने अपना मुंह बहुत से लोग हाथ रख रहते हैं, यीशु मसीह ने मुंह नहीं छुपाया, उसे मालूम है मैंने सताओ को सहना है और जब तक सताओ नहीं सहूंगा तो मुझे वारा आला नाम नहीं मिलेगा। बाइबल ने तभी तो लिखा, हालांकि वो खुदा की सूरत पे था, जब उसकी दाढ़ी नोच रहे थे वो खुदा की सूरत पे था, अंदर से बिल्कुल उसका 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 बात ही नहीं थे जो तक खुदा की सूरत पे था, लेकिन इंसानी तकाजे में आया था ना, और इंसानी तकाजे में दुख तो उठाना पड़ रहा है। लो अय्यूब की किताब के 14 बाब की पहले आयत में लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा है, क्योंकि इस शरीर को दुख उठाना है। आप अपनी जिंदगी में भी झांक के देखिए, आपकी उम्र जो भी होगी आपकी इस उम्र तक आपने कितने दुख उठाए होंगे, शारीरिक दुख, आर्थिक दुख, मानसिक दुख, और आज भी उठा रहे होंगे। यीशु मसीह ने भी दुख उठाए और सिर्फ इसलिए उठाए कि ये मेरे बाप की मर्जी है। अगर आप भी दुख उठाएं तो आप यही सोचिए ये मेरे आसमानी बाप की मर्जी है। उसने अपनी पीठ कोड़े मारने वालों के लिए आगे कर दी, अपनी दाढ़ी नोचने वाले को आगे कर दी, अपना मुंह थुकवाने के लिए आगे कर दिया, क्योंकि उसे मालूम है इन सब के बाद मुझे वो चीज मिलेगी जो मुझे आला में बाला तक लेके जाएगी। हालेलुया। इशाया 53:2 में ऐसा लिखा है, पर हाँ क्या है, मारने वालों ने उसकी हालत ऐसी कर दी कि उसकी कोई शक्ल ना सूरत दिखाई दे रही, क्या उसे कौन है ये ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें अरे जब हाँ लोग उसी के मुश्ताक होते हैं जिसके चेहरे पे कुछ अच्छा दिखता है। आप भी किसी लड़की को देखने गए होंगे या आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने गए होंगे, आपका बेटा भी तो वही लड़की ढूंढेगा जिसके चेहरे पे कुछ खास बात हो, तभी तो वो उसका मुश्ताक होता है, और लड़की भी यही देखती है कि लड़के के चेहरे पे कोई बात हो। लेकिन जब हमने सूरत देखी तो हम वो इस काबिल मिले कि उसके मुश्ताक हो जाए। मारने वालों ने इतना मारा, पीटने वालों ने उसके इतना पीट दिया, मालूम है क्यों, क्योंकि उसको सताओ सहना था, उसे खुदा ने भेजा था, यही तो कह रहा था मैं हर वो काम करता हूं जो मेरा बाप मुझसे करवाता है। उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करा, पीठ पे भी कोड़े लगवाए तो खुदा की मर्जी थी, मुंह पे थुकवाया ये भी खुदा की मर्जी थी, हाथ और पांव में कील ठुकवाई ये भी खुदा की मर्जी थी। लेकिन इसकी 6 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो 53 बाप की जी, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हाँ, और हम में से हर एक अपने राह पे हो गया, पर खुदावंद ने हाँ हम सब की बदकिरदारी, हमारी सारी बदकिरदारी उसके ऊपर लाद दी, और आगे लिखा वो सताया गया तो भी उसने पढ़ता। देखिए ये तो खुदा है, चाहता तो 72,000 फरिश्ते आ जाते, लेकिन नहीं, उसने बर्दाश्त की। जब मेरा खुदा बर्दाश्त कर सकता है तो हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके फॉलोवर हैं, तो हम क्यों नहीं बर्दाश्त करते। शैतान की हल्की सी मार हमें डगमगा देती है, हम अपने रास्ते से हट जाते हैं, हम खुदा को कोसने लगते हैं, अय्यूब की औरत की तरह कहने लगते हैं अब भी खुदा का नाम लेगा, अरे खुदा के खिलाफ कुफर बक, मरता है तो मर जा। नहीं, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त करा और अपना मुंह नहीं खोला। मेरे को आपको भी ऐसे बनना है, हम खुदा के लोग हैं। आप देखिएगा ये तो यीशु मसीह के साथ हुआ, इससे पहले तकरीबन 2,000 साल पहले या 2,500 साल पहले यूसुफ नाम के लड़के के साथ यही सलूक हुआ, उसको सताया गया, अंधे कुएं में फेंका गया, गुलामी के लिए बेच दिया गया,
लेकिन पूरी बाइबल पढ़िएगा, उसने कहीं पे भी किसी से शिकायत नहीं करी। यहां तक कि जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ और फिरौन ने कहा मुल्क मिस्र में तेरा हुक्म चलेगा, तब भी उसने अपने राजा से शिकायत नहीं करी। और जब उसके भाई उसके सामने आ गए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जब उसके भाई उसके सामने आ गए तब भी उसने अपने भाइयों से शिकायत नहीं करी। हम जैसा कोई होता तो कहता तुमने मारा था ना उस दिन, मुझे मारा था ना, आ गए मेरे दर पे, अब मांगने आए हो ना। नहीं नहीं नहीं, उसने कोई शिकायत नहीं करी। और यही जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। जब यीशु मसीह से पहले यूसुफ ये काम कर सकता है, तो यीशु मसीह के बाद वाले लोग क्यों नहीं काम कर सकते हैं? कभी भी दाऊद ने खुदा से नहीं कहा, खुदा बाप तूने मेरे को पवित्र आत्मा से भर दिया, रूह कुदूस दे दिया, अब ये शाऊल जो बदरू है इसके पास है और ये मुझे तंग करता है, इसका कुछ इलाज करो ना। नहीं, उसने कभी शिकायत नहीं करी। मेरा आपका भी जाती फर्ज है कि हम भी किसी से किसी चीज की शिकायत ना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 15 बाब और उसकी 20वीं और उसकी 21वीं आयत को पढ़िएगा, जहां पे कुछ इस तरीके से लिखा, पढ़े जो बात मैंने तुमसे कही है उसे याद रखना, कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मालिक को सताया तो तुम्हें भी सताएंगे भाई। हाँ, साहब यीशु मसीह ने साफ इशारा दिया है, उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। इसलिए तो वो 11 चेले रह गए थे, वो तो कमरे में बैठे थे दुबक के, कि कहीं यहूदियों ने हमें देख लिया हमारा भी यही हाल कर देंगे। पतरस तो कहना चाहता था मैं तो तेरे साथ मरूंगा। मरूंगा क्या, तू उसके पास तक नहीं चला, तूने उससे पूछा भी नहीं वो चलते हुए उस्ताद पानी पियोगे, तूने कभी अपने आंसू नहीं बहाए वहां पे खड़े होकर। लेकिन मैं बता रही जैसे मैं सताया गया हूं तुम भी सताए जाओगे, मेरे को आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आज हमें कहीं से सताव मिलता है, ये बात मेरे और आप जैसे बहुत से वो खुदा खादिम है जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी सताव की बात है। हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, और जब मेरा खुदा सताया गया तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं भाई? जब उन्होंने यीशु की कदर नहीं करी तो आप भी सोचिए कि वो ये लोग हमारी भी कदर नहीं करेंगे। लेकिन इतना भरोसा है, अगर हम उसकी तरह सताए जाएंगे तो आसमान पे बादशाहत करेंगे। अरे भैया, हमें तो अभी इतना दुख ही नहीं मिला जितना अय्यूब को मिला था, हमें तो इतना दुख ही नहीं मिला जितना दाऊद को मिला था, हमें तो इतना दुख ही नहीं मिला जो यूसुफ को मिला था। अगर हम इतने दुख में घबरा गए, क्योंकि कलाम की एक आयत है, अभी तुम पैदल वालों से डर गए हो, पैदल वालों से घबरा रहे हो, जब वो रथों या घोड़ों पे आएंगे क्या करोगे तब? हम थोड़ी सी आजमाइश में, हम थोड़े से सताव में हमारा मन कच्चा हो जाता है। नहीं, हम अपने आप को कमजोर ना करें बल्कि बलवंत बने। आयत पढ़िएगा, दूसरा तीमितुस 3 बाब और उसकी 12 आयत में खुदा का बंदा यूं लिखने लगा, बल्कि जितने मसीह यीशु में, बड़े ध्यान सुनिएगा, उन्होंने मुझे सताया तो मैं भी सताएंगे, बल्कि जितने मसीह यीशु में हैं, देनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब। अब आप मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, सताए जाएंगे। यीशु मसीह से पहले भी लोग सताए गए, यीशु मसीह के बाद भी लोग सताए गए, आज की तारीख में सताए जा रहे हैं, आगे भी सताए जाएंगे। क्योंकि जितने धर्म के मार्ग पे चलते हैं उनका उनके लिए सताव जरूरी है। मन में क्यों सताव जरूरी है? सोना जब तक आग में से होकर नहीं निकलता वो गहना नहीं बनता है, और वो सोना जो गुठला है या बिस्कुट है वो जब रखा रहता है तो कोई उसे पहन नहीं सकता, खूबसूरती नहीं आती। और आपकी भी तभी चमकेंगे जब आप सताए जाएं, ना गहां सताए जाएं। यीशु मसीह ने कहा ना गहां तुम्हें सताएंगे, तुम्हें लानतान करेंगे, तुम्हारा कोई दुख कसूर नहीं होगा, तब भी तुम्हें मारेंगे। लेकिन उस टाइम बाइबल बताती है तुम
शादमान होना, खुश होना, क्योंकि जितने दीनदारी से जीवन गुजारते हैं उन पर सताव जरूर आता है। देखिएगा, मसीह की तालीम में बने रहो। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने कलाम के जरिए से आज हमको रौनक अफरोज करा, और चाहते हैं खुदावन तेरा कलाम आज इन सब की जिंदगी में काम करे। अगर ये सताए जाए तो बेदिल ना हो, और जो इनको सताए उसके लिए दुआ करें ताकि ये आसमान पे बादशाहत पाए। इन्हें आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बड़ी बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, एस 410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740, और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891515423।